अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है देन आई वुड सजेस्ट आप एलोवेरा जेल यूज़ कर लीजिएगा जो मार्केट में मिलते हैं और एल्स अगर ड्राई है तब आप ये वाला क्रीम यूज़ कर सकते हो ये फेस मॉइस्चराइज भी रखेगा और बहुत ही लाइट वेट है पता ही नहीं चलेगा कि आपने फेस में कुछ लगाया है एंड इट वर्क्स ग्रेट एज अ प्राइमर वंस दैट इज़ डन उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे अपना फाउंडेशन आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो सी सी क्रीम बी बी क्रीम या फिर लैकमे का ये वाला लाइट फाउंडेशन ये काफ़ी अच्छा है लाइट वेट है आई वुड हाईली रिकमेंड दिस फाउंडेशन फॉर टीन एजर्स फॉर बिगनर्स जो लोग अभी जस्ट यू नो मेकअप सीख रहे हैं वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है अगर आपको फुल कवरेज चाहिए तो तब आपको इसको दो बार करके लगाना पड़ेगा आप चाहे तो इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर सकते हो और एल्स आप फिंगर से भी इसको आराम से ब्लेंड कर सकते हो बहुत ईजीली ब्लेंड हो जाता है जाके स्किन में एकदम अच्छे से बैठ जाता है तो अगर आपको डेली में, में मेकअप करना है या यू you नो know, कोई छोटे मोटे पार्टी में जाना है आप ये वाला फाउंडेशन आराम से ट्राई कर लेना आपको मीडियम कवरेज मिल जाएगा फिर मैं क्या करती हूँ इंस्टेड ऑफ़ यूजिंग अ कंसीलर मैं इसी फाउंडेशन को ना अपने हाइस्ट पॉइंट्स पे लगा लेती हूँ एंड यूज़ इट एज अ कंसीलर बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप प्रोडक्ट नहीं लगाना है हमें सो द हैक इज़ अगर आपके पास कंसीलर नहीं है या आप नहीं लगाना चाहते हो तो आप जो फाउंडेशन लगाते हो उसी को ही ना अपने हाईएस्ट पॉइंट्स में लगा लो एज अ कंसीलर तो आपको फुल कवरेज मिल जाएगा वहाँ पे तो मैंने क्या किया इसको अपने अंडर आई पे फोर हेड पे नोज एरिया पर पूरा अच्छे से लगा के ब्लेंड कर लिया है अगर आपको ये वाला फाउंडेशन नहीं लगाना है तो आप चाहे तो मेबलिन वाला फाउंडेशन भी ट्राई कर सकते हो वंस दैट इज डन उसके बाद मैं क्या करती हूँ लैकमे का मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर ले लिया है आप कोई भी कॉम्पैक्ट ले लो मेबलिन के कॉम्पैक्ट पाउडर्स काफ़ी अच्छे होते हैं और उसको जस्ट मैंने हाई स्पॉइंट्स पर लगाया है मुझे पूरे फेस में नहीं चाहिए था बिकॉज ऑलरेडी यू नो विंटर है फेस ड्राई हो रहा है तो जहाँ जहाँ आपने कंसीलर लगाया बस वहाँ वहाँ आप पाउडर को लगा लीजिएगा आप चाहे तो लूज पाउडर भी यूज़ कर सकते हो ये वाला कॉम्पैक्ट पाउडर टीन के लिए काफ़ी अच्छा है इनफैक्ट कोई भी यूज़ कर सकता है इसलिए मैंने ये वाला ट्राई किया वंस दैट इज़ डन उसके बाद मैंने रेड लिपस्टिक ले लिया अगे फ्रॉम लैकमे नाउ द हैक इज़ जब भी आप मेकअप करने जाओ ना सबसे पहले आप लिपस्टिक कलर चूज कर लो जैसे मेरा रेड टॉप था तो मैंने रेड कलर का यू नो you know, लिपस्टिक चूज़ किया आप पिंक चूज कर सकते हैं यू कैन गो फॉर ऑरेंज जो भी आपका ड्रेस रहेगा ना उस हिसाब से लिपस्टिक लगा लीजिएगा अगर आपको लगे डार्क है तब तो आप उसको थोड़ा लाइट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर टिश्यू पेपर और चाहे फिंगर से भी इसको लाइट कर सकते हो मुझे थोड़ा चेरी टाइप का लुक चाहिए था फिर मैंने क्या किया इसी लिपस्टिक को ले लिया और मैं इसी को हल्का करके ना अपने चीक्स पे भी लगा लूँगी इस टाइप के लुक के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं पड़ेंगे बस एक लिपस्टिक ही बहुत है आप देखो कि कितने अच्छे से मैंने यू नो एक लाइट लुक क्रिएट कर लिया है वंस आपने चीक्स में लगा लिया उसको ब्लेंडर से ब्लेंड कर लीजिएगा ताकि वो अच्छे से जाकर फाउंडेशन के संग मिल जाए फिर आपको क्या करना है इसी लिपस्टिक को ले लेना है और उसको अच्छे से फिंगर में ब्लेंड कर लीजिए ब्लेंड करने के बाद आप इसको अपने आईलेट पे लगा सकते हो यूज़ दिस एज अ सिंगल आई शेडो काफ़ी अच्छा काम करेगा फिर मैंने क्या क्या कॉम्पैक्ट पाउडर ले लिया थोड़ा सा अपने ब्रश में और अपने ना लिपस्टिक के ऊपर लगा दिया इससे क्या होगा द हैक इज़ जो भी लिपस्टिक आपने आईलेट पर लगाया ना वो मैट हो जाएगा और पसीना आने से या कुछ होने से फैलेगा नहीं तो अगर आप कोई भी ऐसा लिक्विड टाइप का लिपस्टिक को शेडो की तरह यूज़ कर रहे हैं ना उसके ऊपर कॉम्पैक्ट लगा लीजिएगा ताकि वो फैले ना उसके बाद मैंने अपना आईब्रो पेंसिल ले लिया है द वन विच आई एम यूजिंग इज फ्रॉम कलर बार ये थोड़ा डार्क है बट काम अच्छा करता है इससे मैंने अपने आईब्रोज़ को अच्छे से फिल कर लिया है गो वेरी लाइट बहुत नेचुरली फिल कीजिएगा बहुत ज़्यादा ब्लैक या ब्राउन मत कर लीजिएगा अपने आईब्रोज़ को फिर उसको आप स्पूली की हेल्प से कोम कर लीजिएगा फिर मैं क्या करती हूँ इसी आईब्रो पेंसिल को लेती हूँ और आई यूज़ दिस एज अ काजल हल्का करके आप अपने लेट पे लगा लीजिएगा फिंगर के हेल्प से ब्लेंड कर लीजिएगा नाउ पीपल विद हुडेड आइज आप ये हैक जरूर ट्राई कीजिएगा आप हल्का सा ना आईब्रो पेंसिल अपने लोअर लेट पे लगा लीजिएगा और उसको फिंगर के हेल्प से ब्लेंड कर लीजिएगा तो आइज़ बड़ा बड़ा दिखेगा उसके बाद मैंने यूज़ किया अपना लैक का ये मस्कारा विच इज़ वेरी अफोर्डेबल आप चाहे तो लुक को यहाँ भी छोड़ सकते और एज यू कैन अप्लाई योर फॉल्सीज मुझे फॉल्सीज पसंद है तो मैंने लगा लिया था उसके बाद मैंने थोड़ा सा बेबी ऑयल ले लिया है विच आई थिंक सबके घर में अवेलेबल होगा इसको आपको क्या करना है आई यूज़ दिस एज अ हाईलाइटर बहुत ही नेचुरल ग्लो लगता है फेस पे आपको थोड़ा सा लेना है अच्छे से ब्लेंड करना है और इसको आप हाईस्ट पॉइंट्स पे लगा लो एज अ हाईलाइटर और फिर आप चाहे तो इसके ऊपर कॉम्पैक्ट लगा सकते हो या फिर छोड़ सकते हो क्योंकि ये ब्लेंड हो जाता है अच्छे से दैट से ज़्यादा कुछ नहीं करना है मैंने बहुत ही मिनिमम प्रोडक्ट के संग ये लुक क्रिएट किया एंड दैट वॉज द फाइनल लुक यू गाइज मुझे बताइएगा कमेंट में कैसा लगा ये लुक आप लोग को सो दट वज ऑल फर टे गाइज आई होप वीडियो काफी हेल्पफुल रहा हो अगर आप ये लुक क्रिएट करोगे डू टैग मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो डोट फोर गैट फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया सारा डिटेल आपको नीचे इनफर बॉक्स में मिल जाएगा ऑल्सो द प्रोडक्ट डिटेल्स थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज अल सी यू सन बाय